दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले उसका नाम है पॉली मेडिक्योर। इस स्टॉक में काफी ज्यादा लंबे समय का ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, वहां से निकला और फिर वहां से लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। 1684 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में 2.56% ये तेज था। मार्केट कैप 16157 करोड़ का। स्टॉक पी थोड़ा सा ज्यादा है 65 का। आरओसी 18.3% का एंड आरओई 14.8% का जो कि मैनेजेबल है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 945 का लो था और 1729 का इसने हाई लगाया था। आपको दोस्तों कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी इंडिया बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। कंपनी प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजल्स, सर्जिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा एक्सपोर्ट करती है। ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे जब इसमें तेजी आनी शुरू हुई उसके बाद से ये काफी तेजी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो सीएजीआर है पिछले 5 सालों में वो 19.5% की रेट से बढ़ता जा रहा है जो कि अच्छी बात है। और इसमें जो कॉन्स वाली बात है और ये स्टॉक 12.1 टाइम्स बुक वैल्यू पर अपने ट्रेड कर रहा है जो कि उतनी अच्छी बात नहीं है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है जिसमें आपका अपोलो हॉस्पिटल्स हुआ, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ, नारायणा हृदयालय, डॉक्टर पाथ लैब्स, एस्टर डीएम हेल्थ एंड पॉली मेडिक्योर। तो देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छे ग्रुप शेयर करती है। पॉली मेडिक्योर के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 204 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 230 करोड़, दिसंबर 2022 में 285 करोड़ और दिसंबर 2023 में 340 करोड़ का था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 35 करोड़, दिसंबर 2021 में 35 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 50 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 65 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि देखा जाए तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है लगातार कंपनी अच्छा करते जा रही है और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 17 मई 2024 को आने वाला है तो यहाँ पर भी आप नजर बना के रखिएगा। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 217 करोड़ का था, मार्च 2015 में 390 करोड़, मार्च 2018 में 519 करोड़, मार्च 2021 में 785 करोड़ और करंट में बात करें तो 1305 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 19 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में बढ़कर 62 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 71 करोड़, मार्च 2021 में 136 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो 249 करोड़ का बंपर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यानी कि इस कंपनी में लगातार अच्छे ग्रोथ नजर आ रहे हैं। कंपनी के अगर हम सीएजीआर की बात करते हो पिछले 10 सालों में 30% की रेट से, पिछले 5 सालों में 54% की रेट से, पिछले 3 सालों में 20% की रेट से और पिछले 1 साल में तो बम्पर 73% का रिटर्न दिया है। यानी कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर अगर हम इसकी बॉरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 46 करोड़ का लोन था, मार्च 2015 में 79 करोड़, मार्च 2018 में 133 करोड़, मार्च 2021 में 137 करोड़ और सितंबर 2023 तक 135 करोड़ का लोन अभी भी है इस कंपनी पे। लेकिन इसके मुकाबले में जो असेट है वो मार्च 2012 में जहां 182 करोड़ था, मार्च 2015 में 364 करोड़, मार्च 2018 में 565 करोड़, मार्च 2021 में 1224 करोड़ और सितंबर 2023 में 1697 करोड़ का है। यानी कि इसमें जो डेप्ट है वो डेप्ट के मुकाबले इसके पास जो असेट है वो काफी अच्छी मात्रा में है तो चिंता की उतनी बात है नहीं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 44.77% थी वहीं पर मार्च 2024 तक 53.14% हो गई। यानी कि प्रमोटर्स ने काफी ज्यादा हैवी इसमें पोजीशन अपनी बढ़ाई है। FIIs की बात करें तो 12.82% से 12.37% हुए हैं, DIIs 2.89% से 7.21% हुए हैं और पब्लिक की होल्डिंग 39% से 27% हुई है। यानी कि इस स्टॉक में जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि प्रमोटर्स अपनी पोजीशन घटा रहे हैं और FIIs, DIIs एंड प्रमोटर्स अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं और पब्लिक जो है वो अपनी पोजीशन घटा रही है। पॉली मेडिक्योर के अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% मेडिकल डिवाइसेस में है। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया में 31% यूज होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 69%। यानी कि ये कंपनी काफी हैवीली एक्सपोर्ट करती है। थेरोपेटिक एरिया में अगर हम इसका ब्रेकअप करते हैं तो उसमें इन्फ्यूजन थेरेपी 76%, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड एक्शन सिस्टम्स 9.8%, सर्जरी एंड वुंड ड्रेनेज 5.4%, एनेस्थीसिया 3.3%। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप देखेंगे इस स्टॉक में आप जितना पीछे जाएंगे उतना ही इसका चार्ट आपको बेहतरीन लगेगा। इसने हर लेवल पर एक अच्छी तेजी दिखाई है, बढ़िया प्राइस एक्शन करता है और उसके बाद बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर रैली देता है। दोस्तों ये स्टॉक ऊपर वाले रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और उसी के साथ ही लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।